हेलो गाइस, तो वेलकम है। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए वॉइस लेकर आया हूँ, ठीक है। जैसा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट लोग कि वॉइस के लिए स्टार्टअप किया, ठीक है, जिस प्रकार मैंने टेंस का कंप्लीट टच किया, ठीक है, इंग्लिश में। तो आज मैं आप लोग के लिए वॉइस लेकर आया हूँ, ठीक है। एंड गाइस, सभी लोगों का चैनल में स्वागत है आप लोग का। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए गाइस, वॉइस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वॉइस मतलब क्या, वॉइस का हिंदी क्या होता है? जैसा कि सभी लोगों को पता है, टेंस का होता है काल या समय, ठीक। तो उसी प्रकार वॉइस का होते हैं वाच, यानी कि जो हम बात बोले ना, वो आपको बातों को, जैसे कि मैं बोलूँगा राम आम खाता है, ठीक है, ये आपका हो गया क्या सीधी बात में, सिंपल बात में। लेकिन उसको बोलना होगा वॉइस में, तो क्या बोलेंगे, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं घर जाता हूँ तो मेरे द्वारा घर जाया जाता है, तो वही हो गया, इसी को बोलते हैं वॉइस। अब जैसे कि बहुत तरह का सेंटेंस, आप क्लास टेंथ में हो या आप नाइन्थ एंड ट्वेल्थ इंग्लिश में आपके वॉइस जरूर आते हैं, जो कि 4 या 5 मार्क आते हैं। एंड जो भी कंपटीशन लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL एंड SSL लेवल, आपके जरूर वो कैब तो होते ही हैं। एंड वॉइस का आपका क्वेश्चन एलेक्शन से भी होते हैं, तो वॉइस में आपके 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वॉइस के बारे में। देखिए, वॉइस किस पे है, सब टेंस पे है। टेंस कितना, जो भी टेंस ना पहले देखो, प्लीज जाकर पहले टेंस दे, तब आपको ये वॉइस भी क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए, पहले आप लोग क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, वॉइस के हिंदी आपका क्या होता है, वाच होता है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है, ओके। अब देखो, पहली बात, वॉइस के पहले रूल होते हैं आपको, टेंस में कितने होते हैं, टेंस में 3 टाइप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसी का हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जो लोग टेंस के जान लो, प्लीज वीडियो लोग देखें। अभी एक्टिव शुरू वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, यानी कि जो पहले जो सेंटेंस में रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेगा पैसिव वॉइस बनाए। तो पहले हम रूल को जानेंगे, ठीक है। देखिए, पैसिव वॉइस क्या होता है, अगर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस भाव 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल होता है। अब मैं बताऊँ इसमें बाई क्यों लगता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो सही लग जाता है, ऐसे हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग क्लियर हो। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि आई वी यू या ही या हो गया सी या किसी का नाम हो गया इट या किसी का नेम, ठीक है। ये सब को क्या बोलते हैं, ये सब को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई वी, आई मतलब मैं, तुम, वो, आप, ये सब सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं इज एम आर वाच वेयर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो जो कहाँ मैं जाता हूँ, विद्यालय में, तो विद्यालय ही मेरा स्कूल आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन, यानी कि पेन क्या हो गया आपका, ये क्या मार्कर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते इतना समझ आ गया। अब भाव 3 क्या होता है, जो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, भाव 3 यानी कि पहली बात, भर फॉर्म होता है, भर 1, भर 2, भर 3, भर 4 या भर 5 तक होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा हूँ ना, भर 1 या भर 5, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में। जैसे रहेगा रीड का, बोलेगा कि भाव 3 बताएं, तो रीड का ये आपको याद करना पड़ेगा, रीड रीड रीड्स और रीडिंग। अब भर 4 में कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे रीड, भाव 2 क्या हो जाएगा, रीड होता है, भाव 3 भी है, रीड होता है, रीड रीड। अब भर 4 जिसको हम लोग बोलते हैं जीरण, यानी कि जिसके अंत में ING लगा उसी को बोलते हैं भव 4, ठीक है। तो READ कर दो और ING जोड़ दो, ठीक है, आपका भर 4 हो गया। भर 5 में क्या होता है, रिप्स, ठीक है, ये लग जाता है। जैसे यहाँ पर रहेगा बाई, बाई मतलब क्या होता है, खरीदना, इसका बोलेगा भव 2 क्या होगा, बाई का होता है बॉट, बाई बॉट, बॉट हो जाएगा आपका। इसमें भरपूर क्या होता है, बाई ये काम भरपूर करते हैं, बाई BUING, ठीक। अब भाव 5 क्या हो जाता है, आप एस लगा दो, BYI बाइस, ठीक है, बाई मतलब खरीदना, BUY अबाउट, बाउट, बाई और बाइस, ठीक है।
जैसे देखिए क्या में होता है आपको बता दूँ, इसमें बताओ ए से इस कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पे देखना है क्या है, डी है, डी आपका क्या है, डी आपका अल्फाबेट में क्या है, वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जब रहेगा तो ओनली एस लेगा, ठीक है। और लिखना होगा भाई इसमें भी आपको एस ही लग जाएगा, ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे किसी किसी का अब यहाँ रहेगा मान लीजिए रन, तो रन में तो दौड़ना होता है भाव की, क्या होगा रन रेन रन रन रेन रन, ये भाव की हो गया। और भाव फॉर्म में क्या हो जाएगा रनिंग कर दीजिए, आर यू डबल एन आई एन जी, ये सब लोग को पता होगा। ये भाव फॉर्म क्या हो जाएगा रन, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है ना बाइक में, जबकि आपका ये क्या है भावेल था, तो इसीलिए ये भी होता है वी वाई वाई एस हो जाएगा, याद रखना है, क्योंकि भावेल जब भी हो तो ई एस लग जाता है, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट हो तो ओनली एस लगता है, याद रखना है। जैसे रहेगा अब फाइट, फाइट मतलब क्या होता है लड़ना, ओके, तो फाइट का क्या हो जाएगा फाइट फाउट, यहाँ भी फाउट हो जाएगा भाव थी भी। अब भाव फोर क्या होता है हमेशा आई एन जी लगता है, यानी कि फाइटिंग, एफ आई जी एच टी आई एन जी, ओके। आई क्या हो जाएगा फाइट हो जाएगा, एफ आई जी एच टी है, देखिए टी क्या कॉन्सोनेंट है, तो बस ओनली एस लगा दो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने पहले ये बताया आपको भाग क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, ईजे मार वाई वेयर को, बाई बाई आपको पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसके द्वारा, राम के द्वारा खाना खाया गया, इसलिए द्वारा किस में बाई का प्रयोग करते हैं। नाम रहेगा किसी का भी तो सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे राम से हम एडी से इट नेम, ओके। तो प्लीज आप लोग स्क्रीन शॉट ले जाते हैं तो ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। चलिए ये आपका किस पे मैंने बताया, प्रेजेंट इंडिफिनिट पर, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि जैसा कि प्रेजेंट टेंस को चार टाइप में बांटा गया है, ठीक है। जिसको फर्स्ट क्या था प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कोई भी काम किया अभी आप कर रहे हो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, यानी जो भी काम करो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि प्रेजेंट टेंस का थ्री टाइप, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का फोर टाइप, पास्ट का भी फोर टाइप, तो वही मैंने अभी पहला कराया। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसी पे, जैसे कि राम, सिंपल में बोलता हूँ, देखिए राम आम खाता है, ओके, हो गया। ये किसमें आता है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में आता है, क्या होगा नाम है राम, इसको कैसे बनाते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो खाना क्या होता है राम इट्स अ मैंगो, ये तो सिंपल बना गया, ओके। लेकिन और ये आपका ऐसे रहेगा राम इट्स अ मैंगो, इसको ये एक्टिव वॉइस हो गया, अब बोलेगा कि सर पैसिव वॉइस बनाए, तो कैसे बनाओगे, सिंपल है। देखिए इसका पहले रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किसमें क्या है राम है, राम तो सब्जेक्ट है, इट्स मतलब खाना, ये तो क्रिया हो गया, यानी कि हमारा काम है, तो ये होगा नहीं। मैंगो क्या है आम, आम भी मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये पहले आएगा ए मैंगो, ओके, ए मैंगो आ गया। अब देखो इसके बाद क्या, इज एम आर, तो नाम के अनुसार नाम है तो बताइए एम लगेगा आर लगेगा इज लगेगा, तो राम है ना, तो राम इज लगेगा, ए मैंगो इज हो जाएगा। अच्छा जी बहुत सारा था बॉयज तब आ लगाते हैं, ठीक है, एम का प्रयोग आई के साथ है, आप लोग पता होगा, ए मैंगो इज। इसके बाद क्या भाव थ्री, तो ईट मतलब होता है खाना, ईट का क्या होता है ईट एट ईटन, तो भाव थ्री क्या हो जाएगा ईटन, ओके, ए मैंगो इज ईटन। और देखिए इसके बाद क्या लगाते हैं बाई, इसके बाद क्या बोला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसमें आपका क्या है राम है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे राम, ओके, दैट्स अ कंप्लीट राम इट्स अ मैंगो, ए मैंगो इज इटन बाय राम। अब मैं यहाँ देता हूँ सिंपल ही रन्स इन द स्कूल। अब इसका कैसे बनाओगे, इसका मतलब क्या होगा ही रन्स इन द स्कूल, यानी कि वह स्कूल में दौड़ता है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे होगा द स्कूल इज रन, रन 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 होता है
रन रेमन यानी कि रन बाय हिम। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी पैसिव वॉइस में आई हो या ही हो उसको चेंज करना होगा, सी हो ठीक है, इट हो, इसको आपको चेंज करना होगा, एक्टिव बना रहा एक्टिव होगा, लेकिन पैसिव में बनाना होगा तो क्या होगा इसको, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, एक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में आपको ऑब्जेक्टिव में चेंज होता है, ये तो माइंड रखना है। आई रहेगा तो इसका लास्ट में आके मी बन जाएगा ठीक है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट की जगह पर ही आई का मी बन जाएगा। जैसे कि मैं इसको बनाता हूँ, देखो यहाँ पहले बताता हूँ, ही का क्या बनता है हिम, सी का और इट का क्या होता है इट्स ठीक है। अब देखो ही रन इन द स्कूल तो क्या हो जाएगा द स्कूल, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, क्योंकि वह स्कूल में दौड़ता है ठीक है, द स्कूल इज, फिर क्या होगा रन, रन का वर्ब नहीं क्या होता है रन, देन रन ही होता है रन, द स्कूल इज रन बाय किसमें, किसके द्वारा, ही मतलब वह, तो ऑब्जेक्टिव में जब भी बनाते ही का क्या हिम हो जाएगा, इसको माइंड में रखना है एच आई एम ओके। ही रन्स इन द स्कूल, तो द स्कूल इज रन बाय हिम, द स्कूल यहाँ पे इन कर दो, द स्कूल इसका यहाँ पे इन, द स्कूल इन इज रन बाय हिम ओके, दैट्स अ कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू बहुत सारे सेंटेंस देता हूँ इसी पे अभी ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव का कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रहता राम आम नहीं खाता है ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो राम इट्स ए मैंगो था ना, तो राम डू नॉट ईट मैंगो, तो क्या होगा ए मैंगो इज, बस इसमें कुछ नहीं केवल लगाना नॉट नॉट ईटन बाई राम। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो क्या होगा आई गो टू स्कूल, तब इसको बनाना होगा पैसिव वॉइस, तो कैसे बनेंगे स्कूल पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा इज एम आर में स्कूल इज, फिर क्या गोन बाई मी मेरे द्वारा, बस। चलिए मैं आपको संदेश देता हूँ जो कि आपको जितने भी टेंथ हो ट्वेल्थ हो या किसी भी एग्जामिनेशन में उसी से रिलेटेड लेकर आता हूँ क्वेश्चन ठीक है, आप लोग प्लीज सॉल्व करने का ट्राई करें एंड मैं इसको बाद इसको मैं खुद ही सॉल्व कराता हूँ ठीक है। प्लीज आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको रब करूँगा। वॉइस कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत लोगों को नहीं होती, आपको बस समझने के बाद सब बन जाएगा ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस उस तरह पढ़ो और सब तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना, वॉइस या नरेशन या टेंस कोई बड़ी चीज नहीं होती ठीक है। चलिए गाइस तो हम लोग अब आते हैं सेंटेंस पे, ठीक गाइस तो रेडी भी आप लोग स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है आपको ठीक है, तो प्लीज गाइस फर्स्ट और आप लोग को ये स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करना होगा आपको यह सॉल्व खुद से करना हो ठीक है, जो भी जान लो प्लीज पहले ट्राई करें। चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या क्या है सेंटेंस में आपका ठीक है, तो सेंटेंस फर्स्ट में आपका है ही प्लेस हॉकी यानी कि वह हॉकी खेलता है, आई डू माई होमवर्क एवरी डे यानी कि मैं अपना होमवर्क प्रतिदिन करता हूँ, आई रीड अ बुक एवरी डे यानी कि मैं किताब हमेशा एवरी डे यानी कि प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई रीड बुक यानी कि मैं एक किताब प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई वाटर द प्लांट यानी कि मैं पेड़ में या पौधा में पानी देता हूँ, सी हेल्प द पुअर पीपल यानी कि वह जो गरीब इंसान होते हैं उनकी मदद करती है, सी लाइट द कैंडल यानी कि वह अगरबत्ती कैंडल में तो क्या होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती को जलाती है या प्रकाश देती है, सी डज नॉट अब्यूज यू यानी कि सी डज नॉट अब्यूज यू, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो क्या वह तुमको गाली नहीं देती है, आई लव अ गर्ल नेम ऑफ प्रिया यानी कि मैं प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ ठीक है, तो आपको यह अब सॉल्व करना है ठीक है, मैंने हिंदी में इसका बता दिया, अब वॉइस इसका रूल क्या होता है, रूल अभी मैंने जस्ट आपको लिखाया था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हॉफ थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो लोग जान रहे हो तो प्लीज इसको सॉल्यूशन करें, ट्राई करें, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हॉफ थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये रूल होता है ठीक है, मैंने भी जस्ट लिखाया भी था, तो प्लीज पहले आप लोग सॉल्व करें, ओनली आपके पास एक मिनट का टाइम है, जितना हो जाए उसको फास्ट ट्राई करें ठीक है, जो जान रहे हो मैं इसके बाद मैं खुद सॉल्व इसको करूंगा ठीक है। चलिए गाइस तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे, अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व ठीक है।
देखिए फर्स्ट क्या है, ही प्लेज हॉकी, तो इसमें देखना है मेरा यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ही आपका क्या है सब्जेक्ट है, प्ले क्या खेलना हो गया, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले मेरा क्या था ऑब्जेक्ट का था, ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हॉकी, ओके हॉकी। इसके बाद इज ये माना था, तो हॉकी क्या है आपको सिंगुलर, इसके साथ क्या लेंगे ही, हॉकी इज। प्ले का भाव सीरी क्या होता है प्लेड होता है, हॉकी इज प्लेड बाय। अब मैंने आपको जब बताया था ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम होता है, एच आई एम, यानी ही आपका जो था ना सब्जेक्टिव था उसका ऑब्जेक्टिव में होता है। यू का क्या होता है यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, ठीक है इसको माइंड रखना है। आई का मी, अब यहाँ लिखा है आई डू माई होमवर्क एवरी डे, फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है आई डू माई होमवर्क एवरी डे, ठीक है। इसमें देखिए यानी कि इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आपको पहले क्या देखना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है होमवर्क है ना, यानी कि आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क हो जाएगा तो क्या माई होमवर्क साथ में, देखिए यहाँ पे यानी कि मैं अपना होमवर्क प्रतिदिन करता हूँ तो माई होमवर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, माई होमवर्क। फिर क्या होता है इज एम आर में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे माई होमवर्क इज। अब हमको लगाना है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है डू मतलब क्या होता है करना, डू डिड डन डूइंग डज, ठीक है ये मेरा क्या होता है आपका ये होता है वर्ब फॉर्म, तो डू का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा डन, और डन के बाद क्या वर्ब थ्री के बाद क्या रहते हैं बाई। अब देखिए मैंने आपको जस्ट बताया ही का क्या होता है वर्ब, ही हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, उसी प्रकार आई का क्या हो जाएगा, मैंने अभी चेंज होता है आई का मी, ठीक है लिखाया भी था तो ही इज डन बाई क्या हो जाएगा मी। देखिए माई होमवर्क इज डन बाई मी कब, प्रतिदिन ना मी एवरी डे, लास्ट में यहाँ पे आप लिख दीजिए एवरी डे। यहाँ पे इसका हिंदी क्या था, मैं प्रतिदिन होमवर्क करता हूँ, और इसका क्या होगा मेरे द्वारा प्रतिदिन होमवर्क किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आई रीड अ बुक एवरी डे, यहाँ पे किताब है, ठीक है इसका भी सिंपल ए बुक हो जाएगा, ए बुक इज हो जाएगा, रीड का भक्त क्या होता है रीड होता है, कितना हो गया ए बुक इज रीड बाई किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए क्या बोला आई, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, ओके okay? यहाँ पे क्या एवरी डे सिंपल इसका भी यही हो जाएगा एवरी डे, कोई डाइट हाउस कोई डाउट एवरी डे, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज बैक वीडियो करके फिर से अच्छे से देख सकते। अब नेक्स्ट है आई वाटर द प्लांट्स, यानी कि मैं पेड़ में पानी देता हूँ, तो इसमें देखिए क्या है पहले ऑब्जेक्ट क्या है वाटर, तो क्या हो गया पानी हो गया, ये मटेरियल हो गया, आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, प्लांट्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा प्लांट्स, यानी कि द प्लांट्स को लिखेंगे द प्लांट्स। अब यहाँ देखिए वाटर का मतलब क्या होता है पानी देना, पानी देना यानी क्या क्या कोई हम लोग काम ही कर रहे हैं ना, पेड़ में पौधा पानी दे रहे हैं कि वो क्रिया हो रहा है, अब भर्ब होता है तो भर्ब कहाँ आता है बीच में, तो द प्लांट हो जाएगा। अब प्लांट से यहाँ देखिए एस लग गया यानी कि प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या रहेगा इज की आर लगाएंगे, तो आर लगाएंगे आप लोग को पता होगा जब भी एस लगा हो यानी कि प्लूरल बना हो तो आर यूज कर देगा, प्लांट्स आर क्या हो जाएगा वर्ब थ्री, वाटर का वर्ब थ्री क्या होता है वाटर होता है, यानी कि डब्ल्यू ए टी आर करके इसमें ई डी एड कर दे, ठीक है द प्लांट्स आर वाटर बाई आई का क्या होता है मैंने भी जैसा बताया मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कंप्लीट किया भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी हेल्प द पुअर पीपल, यानी कि सी हेल्प द पुअर पीपल क्या हो जाएगा वह गरीब लोगों की मदद करती है, तो क्या होगा इसमें देखिए सी आपका क्या हो गया सी आपका सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, द पुअर पीपल में आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा द पुअर पीपल, द पुअर पीपल। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या आप लगेगा इज एम आर की, तो द पुअर पीपल इज लगेगा कभी भी हमेशा द पुअर इज, इसके बाद वर्ब थ्री हेल्प का वर्ब थ्री क्या होता है हेल्प होता है हेल्प हेल्प्ड हेल्प हेल्पिंग और हेल्प्स, ये होता है वर्ब का हो गया द पुअर पीपल इज हेल्प। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे बाय लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं बहुत ईजी है, ठीक है इसके बाद आप लोग गूगल पे जाकर खुद से ट्राई करें, बहुत सारा और भी एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करें, ठीक है।
ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये प्रेजेंट का बताया ना, प्रेजेंट आपको इंडिफिनिट का, इसके बाद बताऊंगा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब आपको ये पूरा अच्छे से केवल प्रेजेंट का कंप्लीट होगा, देन आफ्टर मैं आऊंगा पास्ट में। लेकिन यह वीडियो आपको है, एक वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट में अलग अलग डिवाइड मिलेगी, ठीक है, एक कम्प्लीटली मिलेगी, ओके, जैसे जैसे आपको वीडियो यूट्यूब अपलोड होगी। हो गया द पुअर पीपुल इज हेल्प बाई सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, यहीं पे यहाँ पे ही रहता तो क्या होता गाइस हिम करते, आई रहता तो मी कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है सी लाइट द कैंडल, यानी कि वह मोमबत्ती को जलाती है, तो इसमें इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, द कैंडल होगा ना, यानी कि द कैंडल, द कैंडल हो गया, द कैंडल। अब क्या लगाएंगे ई जी एम आर में, ई लगेगा भाव थ्री लाइट का क्या होता है लाइटेड होता है, एल आई जी एस टी ई डी, इसमें कोई बड़ी बात भी याद करना नहीं, लाइट लाइट लाइटेड लाइटेड लाइटिंग लाइट्स, ठीक है, रन 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 किसी किसी का, और जो आगे अभी प्रिपेयरिंग कर रहे हो टेंथ क्लास में या नाइन्थ क्लास में वो प्लीज याद कर लिया, एट क्लास का जो भी देख रहे होंगे स्टूडेंट लोग, बाकी तो टेंथ एंड ट्वेल्थ को एंड जो बिहार बोर्ड के बी एस सी ए बी का जो बॉयज होते हैं हिंदी मीडियम का, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है बिकॉज इंग्लिश का वो कम्प्लीटली नहीं पढ़ पाते, तो प्लीज आप लोग भाव फॉर्म याद करने का ट्राई करें, सीनियर में आपको या ऑक्सफोर्ड सीनियर इंग्लिश में आपको लास्ट पेज में रहता है भाव फॉर्म, तो प्लीज आप लोग देख लें, और बाकी लोग तो सभी लोग जानने लगे क्या होगा द कैंडल इज लाइटेड। इसके बाद क्या बाई लगा देते हैं और सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा हर, ओके दैट्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट है सी डज नॉट अब्यूज यू, यानी कि वह तुम्हें गाली नहीं देती है, इसमें क्या होगा देखिए, सी आपका क्या है सब्जेक्ट, डज नॉट नेगेटिव हो गया, अब्यूज मतलब गाली देना, यू मतलब तुम्हें, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आएगा ये जो है ना ऑब्जेक्ट ये है यू, यहाँ पर पहले आएगा यू, यू के साथ क्या लगाएंगे आर की इज, तो आर लगाते हैं यू आर, हो गया। अब क्या बोलना होगा यू आर नोट अब्यूज, नोट लगा दी, अब्यूज का भाव फॉर्म भाव थ्री क्या होता है ए बी यू एस ई डी लगा दो, यू आर नोट अब्यूज बाई, अब्यूज बाई क्या, इसमें बोलेंगे सी एस सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, यानी कि सी डज नॉट अब्यूज यू, यू आर नॉट अब्यूज बाई हर, दैट्स अ कंप्लीट ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। अब देख सकते नेक्स्ट क्या है आई लव अ गर्ल नेम ऑफ प्रिया, यानी कि एक प्रिया नाम के लड़की को मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, या एक कोई अलग सेंटेंस आप ले सकते हो, ठीक है, कोई राधा मोहन सीता गीता गीता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें देखना आई आपका क्या होगा सब्जेक्ट, तो यह ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता है, लव हो गया फॉर्म हॉप फॉर्म यानी क्रिया हो गया, ये आपको नहीं आ सकता है, एक गर्ल नेम ऑफ प्रिया ये पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, क्या आएगा ये सब्जेक्ट रह पाएगा, यहाँ लिखेंगे ए गर्ल नेम ऑफ प्रिया, ओके, ए गर्ल नेम ऑफ प्रिया इज लव, इसके बाद बाई, अब यहाँ क्या आई बोला है मैं ना, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस मी हो जाएगा, ओके, यानी कि मैं प्रिया नाम के लड़की को यहाँ बोला था मैं प्रिया नाम के लड़की को प्यार करता हूँ, अब प्रिया नाम के लड़की के द्वारा लड़की को प्यार मेरे द्वारा किया जाता है, ये आपका होता है वॉइस में यानी कि वाच जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ आया हो, एंड कोई भी प्रॉब्लम या त्रुटि हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड गाइस इसको आप लोग प्लीज जो लोग नहीं लिखे हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्लीज राइट डाउन योर कॉपी। इसके बाद मैं वॉइस का या आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट का कंप्लीट हुआ, इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्लीज पहले स्क्रीनशॉट लें आप लोग, ठीक है आप लोग ले लेंगे, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब देखिएगा इसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है एग्जांपल देकर समझाता हूँ दो तीन, इसके बाद फिर सेंटेंस दूंगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे आप लोग, जैसे कि
होता है आपका, मैंने अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट पहली बात कंटिन्यूअस टेंस जानना होगा किसे बोलते हैं, जिस क्रिया के अंत में, या आप लोग बहुत पहले पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी काम तो वर्तमान में हो रहा है पर क्या वो क्रिया हो ही रहा है। जैसे बोलूंगा ना मैं या वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वीडियो भी कंटिन्यू बन रहा है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो अलग हो गया, ठीक है ना, पर ये जो कंटिन्यू आपका कंटिन्यू वर्क चल रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टेट में, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपने माँ के साथ बाजार जा रहा हूँ, तुम अपने ध्यान कहीं और देख रहे हो, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका ये एक्टिव वॉइस था, ठीक है ना, अब इसका बनाना होगा पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट पहले आता है, मैंने आपको बताया है, इज एम आर पहले आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान इसमें एक ही चीज क्यों अलग होता है, इसमें लगता है आपको बीन, याद रखना होगा इसको, कहीं भी देखोगे ना टेंस में सबसे अनोखा मतलब यही, और ये बहुत जल्दी बहुत सिंपली वे में, ये सबसे अलग होता है, जल्दी ऑप्शन में मारा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में भी मार दोगे आप लोग। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीम प्लस भाव थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, राम सीता के साथ, राम सीता के साथ बाजार जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनाओगे, राम इज गोइंग टू मार्केट विद सीता, होगा ना, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये जैसे बोलना होगा मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या है, राम सीता के साथ जा रहे हैं, तो राम इज गोइंग टू मार्केट किसके साथ, और कभी भी किसी इंसान के साथ होता है, विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सीता जी के साथ में, ओके, दैट्स अ कंप्लीट। अब इसी को बोलने का वॉइस में बनाए, इसका रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है पहले फिर इज एम आर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए राम सीता के साथ बाजार जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मार्केट जाना, मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट इज गोन बाई राम, लेकिन किस साथ, यहाँ ध्यान देना है ना सीता के साथ, देखिए सीता के साथ जो बाजार है ना, यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये जाना क्या हो गया आपका भर, ठीक है, और है तो आपको हेल्पिंग भर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीता के साथ, तो क्या लिखेंगे, राम इज गोइंग टू मार्केट विद सीता, तो सीता इज गोइंग टू, अब यहाँ ध्यान देना होगा ना, सीता इज मेरा क्या हो जाएगा, सीता इज, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद क्या आता है बीइंग, सीता इज बीइंग, इसके बाद क्या आता है भाव थ्री, भाव थ्री जाना का गो होता है, गो का क्या होता है, गो वेंट गोन, हो गया सीता इज बीइंग गोन। अब क्या बाय प्लस सब्जेक्ट, सीता इज बीइंग गोन बाय, अब किसके साथ, राम के नाते, यहाँ पे आपका विथ आ जाएगा, विथ राम, ठीक है, सीता इज बीइंग गोन बाय विथ राम, यानी कि क्या हो जाएगा, सीता राम, राम सीता के साथ बाजार जाते हैं, तो सीता के द्वारा राम के साथ बाजार जाया जाता है, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अब यहाँ सिंपल और देखो, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब इसी में थोड़ा और लॉन्ग कर दीजिए, इन द फील्ड, ठीक है ना, यही आपका एग्जाम में आएगा इस टाइप में भी, थोड़ा लॉन्ग, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कैसे बनाते,
क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी अब इन द फील्ड, सिंपल है। यहाँ देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें देखिए क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट इज लगेगा ना, इज के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, क्रिकेट इज बीइंग। इसके बाद क्या प्ले, प्ले का वर्ब थ्री क्या होता है, प्लेड होता है, ओके। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, अब किसके द्वारा, आई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, ठीक है, आई का क्या कर देंगे यहाँ पे मी, और लास्ट में जो है लिख दो इन द फील्ड, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये आपको मैंने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कराया, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो आपको होता है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम वीडियो को देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, ये सब आपको क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जो टेंस का नहीं देखे प्लीज पहले टेंस देखे, इसके बाद वॉइस ही देखे, क्योंकि डायरेक्ट मैं मान के चलिए मैं नरेशन बताऊंगा तो नरेशन बिना टेंस के थोड़ी हो जाएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानोगे टेंस के बारे में तब तो, इसलिए जो जो नहीं देखे हो प्लीज देख लो, और जो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्लीज आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद फिर मैं सेंटेंस किसी और सेंटेंस को दूंगा, ठीक है, फिर सेंटेंस होगा उसके बाद आप लोग खुद से बना, उम्मीद करते हैं आप पूरी होगी मैच। और वीडियो का कॉन्टेक्ट कैसा मिल रहा है आप लोग को प्लीज आप लोग कमेंट में बताएं, और आपको वीडियो अच्छी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए तो अब हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। हे गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है, तो मैंने आप लोगों को क्या कराया था कंप्लीट, मैंने आप सबको वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट करा दिया था। प्रेजेंट जैसे कि टेंस के थ्री टाइप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट का भी थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि वॉइस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट करा दिया है विथ एग्जाम्पल के साथ में, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कंप्लीट हुआ है, जैसा कि अभी जस्ट इसका बैक में आप लोगों ने देखा। एंड इसके बाद प्रेजेंट, अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा था, वॉइस पढ़ा रहा था, ठीक है, यानी कि अब वॉइस के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अब फिर से मैं इसका रिविजन करवा दे रहा हूँ, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी काम क्या वर्तमान काल में हो, जैसे कि मैं अभी काम करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल भी लिखा दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा होगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी क्या, कोई भी काम जो कंटिन्यू आप कर रहे हो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, ये कंटिन्यू काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वॉइस का ऊपर जस्ट यहाँ पे मैं रूल लिखूंगा। इसके बाद प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये आपको पढ़ाने वाला प्रेजेंट, प्रेजेंट आपको परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके एवरीवन। अब आते हैं इसका रूल क्या होता है, वॉइस का पहले का रूल जानते हैं हम लोग, ये होता है आपका सिंपल, जो इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का वॉइस बनाना होगा, तो वॉइस में मैंने कैसे बताया, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस इज, एम, आर प्लस प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय और प्लस ये गाइस सब्जेक्ट, ठीक है, इतना मैंने आपको कंप्लीट कराया था। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, इसका मैंने लिखवा चुका हूँ, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और ये आर होता है, और इसमें कौन सा लगता है, वर्ब का फोर, यानी कि जिसको जीरो नहीं बोलते हैं, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का आपको बनाना होगा, यानी कि इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस फिर इज, एम, आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं। और कभी भी पैसिव वॉइस में बनाते हैं ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, वर्ब थ्री, यानी कि वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री मैंने आपको बताया अच्छे से, जो नहीं जानते हो, ठीक है, वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हो सकता है कि आप ये वीडियो आप लोग देख रहे हो ना बीच में, तो आपको कट कर डालेगा, बट एक कम्प्लीटली जो कि वॉइस का
ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, प्लीज तो उसको आप लोग भी देखें। ये पार्ट ऑफ पार्ट जैसे कि प्रेजेंट रिपीट करा लूंगा, फिर प्रेजेंट कर लूंगा इसका, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डाल रहा हूँ एग्जाम्पल विथ, ठीक है, दोनों का साथ में रहेगा, हो गया आपका। इसके बाद आज जो प्रधान आपका रिविजन हो गया, ठीक है, ये जो मैं प्रेजेंट रिपीट बता रहा था इसका सही मैं जाता हूँ, आई क्या हो जाएगा, अच्छा मैं मान के चलो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, उसका बनाना होगा तो उसका पैसे वर्ष कैसे बनेगा, तो उसी को स्कूल इज बोल बाई मी, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि मैं विद्यालय या सीता गीत गाती है, तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसका बनाना होगा पैसिव वॉइस, प्लीज आप लोग उसको देखें, ऐसे नहीं समझ आ पाएगा इस एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं बतलाने वाला हूँ परजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, परजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसका सेंटेंस किस टाइप से होता है, इसमें आपका होता है हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, इसका अर्थ क्या होता है, पास, ठीक है। आप जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है, उसके पास एक घर है, तो ही हैज अ हाउस, मेरे पास बहुत सारे घर हैं, ठीक है, आई हैव देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विलेज या देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका रूल क्या होता है आपका, इसका रूल होता है गाइस सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस भाव थ्री प्लस भाव थ्री और ये आपको हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का, ठीक है, यानी कि एक चीज आप लोग माइंड में हमेशा रखो, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भाव थ्री प्लस बाय प्लस, ये आपको हो गया भाव थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये था आपका एक्टिव वॉइस। यदि इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस, फिर आएगा हैज या हैव, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें भी सेम रहेगा भाव थ्री फिर प्लस बाई, और सभी के साथ क्या लगता है, बाई का यूज होता है पैसिव वॉइस नाथ टाइम में। आप चाहे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो SST क्लास 10 12 सभी वॉइस इंपॉर्टेंट है, एंड वॉइस तो सभी को जाना बिकॉज हर एग्जामिनेशन में आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एग्जाम्पल इसके साथ मिलता हूँ, ठीक है, मान के चलो मेरे पास कार है, या बोलेगा ना वह 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 विद्यालय जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज गोन टू अ स्कूल, यानी कैसे बनेगा इस, ही हैज गोन टू अ स्कूल। अब देखिए कैसे बना, इसके रूल बना ना, सब्जेक्ट आया मेरा, और एक चीज मैं बता दूं, ये सब तो आप लोग जानते होंगे जब वॉइस पढ़ रहे हो, तो आई के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, मतलब कि हैज का प्रयोग और किसके साथ क्या होता है, ठीक है, ही सी इट, ही सी आपका हो गया, या इट या किसी का नाम हो गया, ठीक है, या नेम, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, आई के साथ प्रयोग होता है आपका किसका, हैव का, ठीक है ना, आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगेगा बिकॉज इट इज रॉन्ग, आई हैज कभी नहीं होता, आई हैव ही होता है, ठीक है ना, वी वी मतलब कि प्लूरल में बहुत सारे केसेस के प्रयोग में हैव का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वी हैव, मान चलो हमारे पास क्या कार है, तो वी हैज नहीं बोल सकते हैं, सिंगुलर के सेंस में आपका प्रयोग होता है, प्लूरल के सेंस में आपका हैव का हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए ही के साथ आपको रहेगा हैज, ठीक है, सी के साथ भी आपको रहेगा हैज, इट के साथ भी रहेगा हैज, ठीक है, किसी का नाम हो जैसे राम श्याम मोहन गीता प्रीता प्रीति पूनम रीति, ठीक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का ही प्रयोग होगा। मान के चलिए बोलूंगा प्रीति गीत गाती है, सॉरी प्रीति गीत गा चुकी है, तो क्या होगा, प्रीति हैज सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंग का भाव थ्री क्या होता है, सिंग सैंग संग, संग ए सॉन्ग, ठीक है, जब बनाओगे तो समझ जाएगा। अब चलिए इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ, ठीक है, देखिए ही के साथ किसका प्रयोग हुआ, हैज का प्रयोग हुआ, ही हैज गॉन टू अ स्कूल। अब बनाना होगा आपको क्या, पैसिव वॉइस बनाना होगा, ठीक है, ये आपका एक्टिव है जो कि आपका किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, ही हैज गॉन टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट देखना है पहले, सॉरी गाइस, इसमें क्या ऑब्जेक्ट पहले आया, फिर हैज आया, फिर वर्ब आया, फिर बाय आया, फिर सब्जेक्ट आया, ठीक है, तो मुझे देखना होगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए पहले खुद से आप लोग ट्राई करो, यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो वो प्लीज पैसेज बना के रखें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा,
पहले मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस में आप लोग को मैं बता दूं तो सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि लास्ट में जो आ गया आपका, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, सीता गीत गाती है, सीता तो आपका हो गया सब्जेक्ट, गाना क्या हो गया, वो हो गया भर यानी क्रिया हो गया, और जो गीत हो गया सॉन्ग हो गया वो मेरा क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार सेम सिचुएशन इन दिस सेंटेंस स्कूल, स्कूल भी क्या होगा आपका, स्कूल भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें ही क्या है, ही मतलब वह सब्जेक्ट है, और देखिए हैज, हैज किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, जो कि सहायक क्रिया होती है, जैसे कि आप प्रेजेंट में बनाए तो इज एम आर लगा, ठीक है, पास्ट में बनाओगे तो वाज वेयर रहेगा, फिर फ्यूचर में बनाओगे तो विल रहेगा, शैल रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपका गोल, आपका वर्ब थ्री हो गया, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, यानी कि गो का वर्ब थ्री आपका होता है गोन, ठीक है, उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ब फॉर्म क्या होता है उसका रूप बता चुका हूँ। और यहाँ आ गया इसके साथ गोन के साथ टू आपका लगता है प्रपोजिशन के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। स्कूल आपके ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तब इसका बनाना होगा पैसिव वॉइस। तो मेरा क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट मेरा स्कूल लेते, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, स्कूल लिख दूंगा, स्कूल। अब क्या लगेगा स्कूल के बाद, हैज, स्कूल हैज, इसके बाद क्या वर्ब थ्री, हाँ, तो वर्ब थ्री क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस, हाँ, तो गो का ही वर्ब थ्री मेरा क्या होगा, यानी कि हैज गो नहीं हो जाएगा गो। अब किसके द्वारा जाएगा वर्ब थ्री का, प्लस बाई जाएगा, यहाँ बाई लिख देंगे बाई, किसके द्वारा, हिम का क्या हो जाएगा, ही का आपका हो जाएगा हिम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा स्कूल, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वेट सम टाइम गाइस, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ तो गाइस, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, इसका रूम पे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका बनता है कैसे, वाइज ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको सॉल्व हो जाए, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो हैज है के सिर्फ आपका बीन का प्रयोग होता है, बी डब्ल्यू एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिस्टेक है, तो क्या यहाँ पे हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इसको सॉल्व फॉर दैट। देखिए जरूर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्या लगेगा मेरा, हैज या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है, इसके बाद कौन सा लगाते हैं, प्लस बीन, बी प्लस वर्ब थ्री, फिर क्या होता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लास्ट में और ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टअप में हो जाता है जब भी आप वॉइस बनाते हो तब, ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल क्या था, ही हैज गोन टू स्कूल, ठीक है, ये था ना मेरा एग्जाम्पल, ही हैज गोन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा चुका है। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, तो क्या करेंगे, स्कूल पहले मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट था मेरा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या हैज या है, तो स्कूल मेरा क्या है नेम है, और नेम के साथ मेरा किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, यानी कि स्कूल हैज, स्कूल हैज बीन क्या, वर्ब थ्री मेरा क्या होता है गो एंड गोन, स्कूल हैज बीन गोन बाई। अब देखिए ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, ही का हो जाता है आपका ही, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी आपको चेंज होता है किसमें, हर में, ठीक है, सी आपका चेंज होता है हर में, घस के लिए होता है, आई का चेंज होता है मी में, ठीक है, और वी का फॉर्म चेंज होता है जब भी वॉइस में आते हैं तो अस में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, एंड आप लोग जान भी रहोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस केस में आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम जो लगातार हो रहा हो, सब्जेक्ट उसमें लगता है आपको सब्जेक्ट के साथ ईजेमआर फिर वर्ब फॉर, यानी जो जीरंड का फॉर्म बोलते हैं, जैसे गो का गोइंग हो जाएगा वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट, उसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आज मैं बता रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया, एक्टिव से पैसिव आए, ही हैज गोन टू अ स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा चुका है, तो कैसे स्कूल होगा, अ स्कूल हैज बीन गोन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा स्कूल जा चुका है, यही होता है आपका पैसिव वॉइस।
इंग्लिश टू हिंदी में करा भी दिया। सी के साथ हमेशा हर का प्रयोग होता है, आई के साथ मी का, वी के साथ अस का, ठीक है। तो यहाँ पे ही का फॉर्म चेंज किया मैंने हिम के रूप में। आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रॉब्लम हो। आई और वी और यू के साथ, आई वी और यू के साथ आपका हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि यह प्लुरल। सिंगुलर के साथ ही सी इट या किसी का नाम हो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग, तो हैज का। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगा, ठीक है। एंड कोई मिस्टेक हो से तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट मैच। अब देखिए मैंने प्रेजेंट जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बतलाया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। सब आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स रहेंगे, कुछ एसएससी के रहेंगे और कुछ आपको क्लास 10 एंड 12 के रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसको पहले ट्राई करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा सेंटेंस, उसको फिर ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, जैसे कि गर्ल्स हैज क्लिक्ड द सेल्फी, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल, Girls has clicked the selfie. मतलब समझे guys? Selfie, SELFIE. यानी कि लड़कियों के द्वारा सेल्फी लिया जा चुका है, ठीक है। अब इसको आपको बनाना होगा पैसिव फॉर्म में। तो कैसे बनाओगे, ट्राई करिए आपको। तो सिंपल है, देखो कभी भी चेंज करते क्या हो जाएगा, मेरा इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सेल्फी है ना, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट देखना है। और गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है लड़कियों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं गर्ल करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक गर्ल के अनुसार मेरा हैव रहेगा। बहुत सारी लड़कियां रहती ना, तो यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गर्ल्स हैव नॉट क्लिक्ड द सेल्फी, यानी कि आपका पॉजिटिव सेंस में होगा या आपका नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। अब दोनों को करना होगा, तो क्या होता है इसका, द सेल्फी हैज बीन क्लिक्ड बाय गर्ल, ठीक है, या बोल सकते हैं क्लिक्ड बाय, सीधा था तो यहाँ पे हर हो जाता, बट यहाँ पे केवल गर्ल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल। जैसे कि यहाँ पे राम रहते, यहाँ पे सीता रहती, तो यहाँ पे सीता हो जाती, ठीक है। प्रीति पूनम कुछ भी होता है, नाम यहाँ पे आता है, ठीक है, आपको हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो कैसे होगा, द सेल्फी, ओके, द सेल्फी। अब माइंस का रूल क्या बताया था अभी, जस्ट ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। तो देखिए हैज हैव मेरा आएगा, द सेल्फी के अनुसार क्या आएगा, द हैज आपको लगेगा हैज, द सेल्फी हैज। फिर हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, यानी कि बी डब्ल्यू एन, द सेल्फी हैज बीन। क्लिक का भाव थ्री क्या होता है आपका, क्लिक्ड ही होता है, क्लिक्ड बाय, किसके द्वारा सेल्फी लिया जाता है, तो गर्ल के द्वारा ना, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल, ओके। यहाँ पे था मतलब कि लड़कियां सेल्फी, लड़कियों के द्वारा सेल्फी लिया जा चुका है। अब बनाना होगा उसको आपको पैसिव फॉर्म में, तो कैसे बनाओगे, सेल्फी लड़कियों के द्वारा लिया जा चुका है, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस। अब यहाँ था गर्ल्स हैव नॉट क्लिक द सेल्फी, देखिए यहाँ पे हैव के ऊपर हुआ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी, इसलिए यहाँ पे सिंगल थी इसलिए हैज हुआ, ठीक है। और नेगेटिव था, इस नेगेटिव सेंटेंस कब बोलते हैं, जब आप नॉट का यूज करते हो, ठीक है। तो गर्ल्स हैव नॉट क्लिक द सेल्फी, तो दिस द सेल्फी हैज नॉट बीन क्लिक बाय गर्ल्स, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, द सेल्फी पर लिखेंगे, द सेल्फी। अब देखना यहाँ पे सेल्फी मेरा क्या है, सिंगुलर रहना था, आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएगा यहाँ पे, ना कि इसको देख के हैव लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। द सेल्फी हैज, फिर लगाते हैं क्या, नॉट, द सेल्फी हैज नॉट बीन क्लिक्ड, क्लिक्ड बाय, अब किसके द्वारा, बहुत सारी गर्ल्स है ना, तो क्या हो जाएगी, गर्ल्स, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर से मैं एक एग्जांपल खुद देता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें देख चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन यू इन द स्कूल या इन द सिनेमा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ना, मैं तुम्हें या मैं तुमको सिनेमा में देख चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव सीन यू इन द सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल। अब इसका बनाना होगा, तो कैसे बनाओगे आपको पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखना है मुझे, देखिए
ऑब्जेक्ट इसमें चाहिए, मेरा आई सब्जेक्ट है, आएगा नहीं, हैव कभी नहीं लगेगा, सिंह भाव थ्री है, यू मेरा क्या है। अब देखिए इसमें यू भी आ सकता है बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट का रूप ले रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है यू इन द सिनेमा हॉल, यानी कि तुम्हें मैं कहां पे देखा हूं, तो सिनेमा हॉल के अंदर देखा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कैसे बनेगा, आई हैव सीन, देखिए यहाँ पे यू का फॉर्म है ना, इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं हल्का चेंज करता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस इसमें डालता हूँ, आई हैव सीन हिम बोलूंगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आएगा। अब आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, यानी कि मैं उसे सिनेमा हॉल में देख चुका हूँ, ठीक है। अब बताइए हिम का मैंने अभी आपको बताया था ना क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको चेंज करोगे सब्जेक्टिव केस में तब यह आएगा आपका सब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो जगह ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ठीक है। आई सेल आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, तो क्या हो जाएगा, हिम का मेरा क्या होता है, ही होता है आपका, ठीक, ही आपका क्या होता है, ही आपका होता है सब्जेक्ट रूप में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज की हैव, तो आपका लगेगा हैज, ही हैज, ओके। फिर क्या मेरा भाव हैज हैव के बाद क्या लगता है, भाव थ्री, फिर क्या लगता है, ही हैज बीन लगेगा, फिर भाव थ्री, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ही हैज बीन सीन मी, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मी यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, ही हैज बीन सीन, किसको देखा है, मुझे ना, यानी कि मेरे द्वारा किसी को देखा गया तो मुझे ही ना, यानी कि तो उसको बोलना होगा, जैसे कि इसके उसके द्वारा देखा गया था किसे, तो उसे, लेकिन आई का सेंस यहाँ पे आई नहीं लिखा सकता है ना, आई कहीं आपका ऑब्जेक्टिव केस रहता है मी में, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन सीन मी, अब कहाँ पे देखा, जो आपका लास्ट में होता है उसको सेम ही उतार देते हो, इन द सिनेमा हॉल या कहीं फील्ड रहता तो वही सेम लेते, इन द सिनेमा हॉल। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे लगता है मैं आपको 10-15 लिखूंगा ना सब्जेक्ट, फिर उसको एग्जांपल के साथ बनाओगे तब बेसिक क्लियर से, इसके बाद आप बुक से बनाना, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब क्लियर करोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, सर भी बता दिया, फिर गर्ल्स बता दिया था, फिर ये बता दिया, आई हैव सीन हिम इन द सिनेमा हॉल, तो ही हैज बीन सीन मी इन द सिनेमा हॉल, ठीक है, दैट्स अ कंप्लीट। एक मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मेरे सब में लगा है ना, देखिए यहाँ पे बाई का प्रयोग, यहाँ का बाई प्रयोग, यहाँ पे हल्का छूट गया था, ही हैज बीन सीन मी सीन बाई, ही हैज सीन मी बाई इन द सिनेमा हॉल, बाई इन द सिनेमा हॉल आपका, क्योंकि देखिए बाई के बाद क्या आता है, मेरा जितना भी जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, यानी सॉरी जो सब्जेक्ट होता है लास्ट में आता है, तो इन द सिनेमा हॉल, यानी कि ही हैज सीन मी बाई इन द, यहाँ पे आपको यहाँ पे ला दिए सीन बाई, इसके बाद इस सब तो हो जाएगा, ही हैड बीन सीन बाई मी इन द सिनेमा हॉल, दैट्स अ कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं एग्जांपल कुछ बनाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट हो, ठीक है, चलिए गाइस। हे गाइस, तो आप लोग को मैं सेंटेंस लिखकर रेडी कर दिया हूँ, ठीक है, तो प्लीज पहले आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इसको करें, ठीक है, कैसे ये बनेगा, ठीक है ना। तो आपको जितना भी है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ठीक है, फिर इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं रिवीजन कराता हूँ क्या क्या सेंटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, द लायन हैज हंटेड द डोर, ही हैज बाउट अ मोबाइल, द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, दे हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2, दे हैवंट, मतलब क्या था, हैव नॉट, They have not finished the song. We have adopted the dog. यानी कि हम लोगों ने कुत्तों के गोद ले लिया है। इसका आंसर क्या होगा? The lion has hunted the deer. यानी कि क्या हो जाएगा? Deer मतलब क्या होता है आपका? हिरन। यानी कि शेर के द्वारा किसका किया गया? हिरन का आपको हमला किया गया, ठीक है? Hunted यानी कि शिकार किया गया। He has bought a mobile. यानी कि उसने एक मोबाइल, वह एक मोबाइल ले चुका है, ठीक है। लायन यानी कि शेर आपको हिरन का हमला कर चुका है। द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, गाय जो है हरी घास खा चुकी है। मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, ज्यादातर इंसान जो है अल्कोहल का उसके आदि हो चुके हैं,
यानी क्या बोलते हैं आदि, यानी कि उसके जो एडिक्टेड है, दे हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मूवी KGF 2, यानी कि वे लोग मूवी KGF 2 को ट्रेलर को जो भी आपको लॉन्च करना था लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। दे हैव नॉट फिनिश द सॉन्ग, वे लोग इस गाने को अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव अडॉप्टेड द डॉग, हम लोगों ने कुत्ते को क्या गोद ले लिया है, अडॉप्ट मतलब क्या होता है गोद ले, ठीक है, अडॉप्ट या स्वीकार करना। तो आपका ये था, अब इसमें से कुछ आपको मैंने खुद से भी दिया है और कुछ आपको एग्जाम के भी है, ठीक है, प्रीवियस है, तो प्लीज आप लोग ट्राई करें, नहीं तो मैं इसका बताता हूँ, ठीक है। इसका रूल सभी लोग को पता होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैच है, इसका रूल क्या होता है गाइज, एक बार फिर से रिवीजन, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये रूल था आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला क्या है, द लाइन हैज हंटेड द डियर, ठीक है। तो पहले मेरा क्या इसमें है, लाइन आपका क्या है सब्जेक्ट है, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हंटेड क्या है यानी कि शिकार करना, ये आपका क्या है वर्ब का फॉर्म है, और डियर यानी कि हिरन, हिरन ही मेरा क्या होगा सब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या हिरन जो है ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका हैज या हैव, तब बीन आएगा, तब वर्ब 3 आएगा, फिर भाई आएगा सब्जेक्ट होगा। क्यों मैं ऐसा दोबारा बोल रहा हूँ कि आपका माइंड में अच्छे तरह से बैठ जाए, इसको भूले नहीं आप लोग कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिक जल्दी से आपका ऑप्शन में डायरेक्ट देखोगे हैव किसमें है और वर्ब 3 का फॉर्म कहाँ पे, डायरेक्ट मारोगे ऑप्शन, ठीक है। क्लास 10th एंड 12th में तो बनाना पड़ता है। द लायन हैज हंटेड द डियर, तो क्या हो जाएगा, द डियर के साथ क्या लगाते हैं हम, यानी कि किसी का नाम है यानी कि जानवर, तो इसका किसका प्रयोग है, हैज का प्रयोग है, द डियर हैज, ठीक है। इसके बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, द डियर हैज बीन अभाव 3 HUNTED, हंटेड यानी कि शिकार करना होता है, किसके द्वारा किया गया है यानी कि लाइन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा बाय द, यहाँ पे ऐड कर दोगे आप लोग बाय द लायन, ओके दैट्स अ कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ही हैज बाउट अ मोबाइल, यानी कि वह एक मोबाइल खरीद चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भाव का 3 रूप है, ये आपका ए मोबाइल क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आता था, क्या लिखेंगे ए मोबाइल, ओके ए मोबाइल, फिर क्या लगाते हैं हैज क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे ए मोबाइल हैज, फिर क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे ए मोबाइल हैज बीन, ठीक है। किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे ही का मैंने बताया था ना भाव फॉर्म चेंज होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ही का क्या हो जाएगा हिम, सी रहेगा तो हर, इट रहेगा तो इट्स, आई रहेगा तो मी, यू रहेगा तो यू, ठीक है, वी रहेगा तो अस, ओके। तो ही हैज बाउट ए मोबाइल हैज बीन बाउट बाय क्या हो जाएगा हिम, यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा दो बाउट BOUGHT बाउट, फिर क्या आ जाएगा बाय ही आ जाएगा, यानी कि बाउट बाय, और यहाँ पे ही का वर्ब फॉर्म चेंज हो क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा HIM, ठीक है। इसका है ए मोबाइल हैज बीन बाउट बाय हिम, या इसका है द डियर हैज बीन हंटेड बाय द लायन, ठीक है, ये यहाँ दोनों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इसमें आपको स्पेस नहीं था इसलिए इस तरह से लिखना पड़ा है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, ठीक है, यानी क्या मतलब हो रहा है, द काउ हैज ईटन ग्रीन ग्रास, यानी कि गाय के द्वारा हरी घास खाई जा चुकी है, तो मेरा जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, हरी घास क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो विदाउट मार्कर का, विदाउट पेंसिल का, विदाउट पेन का, ओनली यूज योर ब्रेन एंड योर माइंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन ग्रास हैज बीन ईटन बाय काउ, ठीक है, वैसे बना दीजिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है, तो ग्रीन ग्रास हैज बीन हो गया। अब क्या वर्ब 3, ईट का वर्ब 3 क्या होता है, ईट मतलब खाना, यानी ईट एट ईटन, ठीक है, तो ईटन हो जाएगा, ठीक है। तो द ग्रीन ग्रास हैज बीन ईटन बाय किसके द्वारा खाया जा रहा है, काउ के द्वारा ना, यानी कि बाय द काउ, या लिख सकते हैं काउ बाय काउ या बाउ द काउ, यानी कि ये हो गया, ठीक है, दैट्स अ कॉम्प्लीट। नेक्स्ट है, मोस्ट पीपुल हैव ट्राइड अल्कोहल, यानी कि ज्यादातर इंसान जो है क्या किसके आदि हो चुके हैं, तो अल्कोहल का। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा,
ये मोस्ट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पीपुल मोस्ट पीपुल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपका हेल्पिंग भाव है, ट्राई जो आपका भाव का रूट है यानी कि भाव थ्री है, अल्कोहल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे बनाओगे, चलो मैं यहां से बनाता हूँ। तो क्या होगा, अल्कोहल पहले आएगा ना, यानी कि अल्कोहल हैज क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे बिकॉज नाम है अल्कोहल। और हैव किस साथ लगता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, एक से ज्यादा रहेंगे तभी हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हैज बीन, अल्कोहल हैज बीन, ठीक है। क्या किया जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्कोहल हैज बीन ट्राइड, अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय द मोस्ट पीपुल, बाय द मोस्ट पीपुल, ओके दैट्स कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये आपको हो गया द मोस्ट पीपुल हैव ट्राइड अल्कोहल, अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय द मोस्ट पीपुल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ क्या लिखा है, दे हैव लॉन्च द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2। उम्मीद करते हैं बहुत स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने केजीएफ 2 देख लिया होगा, ठीक है। रिलाइज हुआ था, रिलीज हुआ था आपको आई थिंक 3 या 4 5 मंथ पहले ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव क्या हो गया आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव हैज। लॉन्च क्या हो गया, ये आपका वर्ब का फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे लॉन्च क्या होता है, लॉन्च, लॉन्च्ड, लॉन्चिंग, लॉन्च, लॉन्च, ये आपका क्या था वर्ब। यहाँ देखिए द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2, ये आपका ही हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेलर ऑफ द मूवी केजीएफ 2 हैज बीन लॉन्च्ड बाय देम, ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय देम। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट देखोगे आंसर डायरेक्ट मार दोगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ से क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेरा यहाँ वाला डायरेक्ट यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज इसको लिखा था बीच में रूल था ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कंटिन्यू बनाते रहोगे तो रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते ही माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेलर ऑफ मूवी, मूवी का नाम क्या है गाइस, केजीएफ 2, या अभी जो फिल्म आई है यहाँ पे गदर 2 भी हो सकता था, ठीक है, कुछ भी फिल्म का नाम बस। तो उसके साथ हमेशा एक नाम है ना, किसी भी चीज का नाम हो गया तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी किसका साथ प्रयोग होता है, द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ हैज बीन क्या, ये लॉन्च किया गया है ना, तो LAUNCHED लॉन्च हो गया। द ट्रेलर ऑफ मूवी केजीएफ 2 हैज बीन लॉन्च बाई, अब देखिए किसके द्वारा किया गया, यहाँ दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई का मी होता है ना, तो उसी प्रकार दे का क्या होता है, देम हो जाता है, सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ऐड करना है बाय देम, एंड सॉरी फॉर दैट गाइस, बाहर से जो भी आवाज आ रही है आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर रही है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव हैवंट, दे हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग। देखिए इसको क्या बोलते हैं, HEVNT हैवंट बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हैव नॉट, ओके, यानी कि दे हैव नॉट फिनिश्ड द सॉन्ग, उन लोग के द्वारा सॉन्ग को फिनिश यानी कि जो गाना था ना उसको अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया जा चुका है। अब इसको बोलना होगा तो कैसे पैसिव वॉइस बोलेंगे, तो हमको आएगा पहले क्या आएगा, सॉन्ग, देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, द सॉन्ग आपका क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखेंगे द सॉन्ग। अब देखिए सॉन्ग हो गया ना, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज क्या है, नेम है, तो लेगा सिंपल द सॉन्ग हैज बीन, फिर वही भाव थ्री फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश। इसमें एक प्रॉफिट है, इस सेंटेंस बनाने प्रेजेंट में आपको याद नहीं रहेगा तो भाव थ्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहां पे रहता आपको रन रहता तो वहां पे रन रिन रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फिनिश, फिनिश का भाव थ्री बोल देगा तो फिनिश का फिनिश होता है यानी कि फिनिश नहीं हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको दिया रहता है। द सॉन्ग हैज बीन फिनिश्ड बाय किसके द्वारा, दे, दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, देम होगा, ओके, दे का देम, दैट्स अ कंप्लीट। अब नेक्स्ट है आपका वी हैव अडॉप्टेड द डॉग, यानी कि हम लोगों जो है ना किसका, कुत्ते को, बच्चों को, जो भी है कुत्ते को ये जो गोल दिया था, इसका कैसे बनेगा, वी हैव अडॉप्टेड द डॉग, तो मेरा यहाँ बनेगा क्या, इसमें जो आपका है द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, क्या सी लिख देंगे,
द डॉग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहता है ना इस सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आकर आपको इधर सब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। द डॉग, डॉग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, द डॉग हैज बीन, एडॉप्ट का भाव सही क्या होता है, adopted, एडॉप्ट मतलब किसी को गोद देना होता है, ठीक है। द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड किसके द्वारा, वी, वी मैंने अभी चेक बताया था, वी का किसमें चलता है, अस में, द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड बाई अस, अस मतलब कि हम सब के द्वारा, वी मतलब होता है हम लोग, अस को चेंज कर देंगे तो हम सब वो बोल सकते हैं, हिंदी में होता है हम लोग और उसको चेंज करना ऑब्जेक्टिव केस में तो हो जाएगा हम सब, ठीक है। तो दैट्स अ कंप्लीट, आपको ये भी कंप्लीट हो गया, वी अडॉप्टेड द डॉग हैज बीन अडॉप्टेड बाय अस, ठीक है। तो आपका मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल भी कंप्लीट करा दिया, जिस तरह भी मैंने आपको प्रेजेंट इनिफिनिटिव हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, अब इसके बाद हम लोग किसका कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि होता है ना आप लोग सेंटेंस, जैसे कि सुनेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, हम लोग के घर पहुंचने के पहले भाई आ चुका था, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो ये सब भी कैसे होगा उसको बताएंगे। जैसे कि मान चलिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, उसको हम लोग पहले क्या रूल्स बनाएंगे, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है, जब रूल पे आएंगे उसका बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और बता दूं तो चलिए गाइस, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड हमारी मेहनत का सपोर्ट करें, ठीक है। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड थैंक यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक।